तो अभी हम लोग तारागढ़ चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप तारागढ़ के लिए निकलते हैं तो अजमेर शरीफ से अगर 2.5 दिन का झोपड़े तरफ जाते हैं तो राइट लेफ्ट साइड में एक सीढ़ी जाती है, वहीं से सीढ़ी पे आपको चढ़ना है, फिर वहीं से तारागढ़ के लिए निकलना है। तो अभी ऊपर आ गए थोड़ा कुछ, वहाँ से आपको ये थोड़ा व्यू दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त लग रहा है, पूरा अजमेर इनमें आ रहा है। अभी वो तारागढ़ वो अनासागर थोड़ा दिखता है, जिस जो यहाँ से 2.5 दिन का झोपड़ा भी दिख रहे थे। और ये सब हम लोग थोड़ा फोटो शूट वूट करवा रहे थे, तो आप भी जब भी कभी जाएं तो यादगार के लिए फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। यहाँ पर 30 रुपये एक फ़ोटो का लेते हैं, तो 2 फ़ोटो खिंचवा सकते हैं अगर आपकी पसंद। ये तारागढ़ आपको ऊपर से दिखता होगा पूरा, यहाँ भी चल के ज़ियारत करेंगे। वहाँ भी यहाँ एक है कि एक कुआँ है जो कि आप मन लगा के कान लगा के सुनते हैं तो यहाँ से घोड़े की टप टप की आवाज़ आती है। यहाँ पे ये बावड़ी है कुआँ जो कि यहीं पे पहले पानी भरते थे। तारागढ़ ऊपर अभी तारागढ़ है और इस कुएँ में वो घोड़े की नाल की आवाज़ आती है टक टक की। लेकिन इतनी गंध है इधर भी मची हुई है, यहाँ पे नाम भी लिखना चालू कर दिए लवर्स, पता नहीं पति पत्नी लिखते हैं कि लवर्स लिखते हैं, लेकिन नाम पूरे जितने भी वो पिलर बना हुआ है सब में नाम लिखना चालू कर दिए। अभी और ऊपर चढ़ना है, यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है, नाम आपको देखता होगा जो बोले कि नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। कोई लव के लिए 70% भी लिख दिया। यहाँ पे एक कुआँ है कि बावड़ी पता नहीं, भी सर्च करके बताएंगे आपको ये क्या है। लेकिन और यहाँ पे कुछ जड़ी बूटी अपने हिसाब से वो बेच रहे हैं। अभी आ गए हम लोग तारागढ़ के ऊपर, जो कि यहाँ भी एक देग है, उसको भी आपको दिखाएंगे। हम लोग सोचे अगर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पूरा गांव बसा हुआ है, यहाँ भी ये तेल। आप देख सकते हैं तारागढ़ के ऊपर मजार शरीफ है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे बंदर बहुत थे तो मैं सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेता हूँ इधर का भी। और ये 40 मन का डेग है, जो मन्नती डेग, जिसको जो मन्नत मांगते हैं कि इसमें अगर मेरा काम पूरा हुआ तो इसमें कुछ ना कुछ डालेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ भी ऐसा डाला हुआ है। इसमें एक चीज़ है, डॉलर बहुत डाला हुआ है, डॉलर डाला है, पाकिस्तानी नोट डाला है और सब बड़े बहुत चीज़ डाला है, देख सकते हैं। और पूरा कोई ना कोई पूरा गड्डी ही डाल दिया, 10-10 हज़ार की, 20-20 हज़ार की। यहाँ से पूरा व्यू आप देख सकते हैं, पूरा फुल, क्योंकि पूरा अजमेर वो आना सागर भी दिखते हैं। और यहाँ पे टावर भी लगाया गया है, और उस ज़माने में ये सब कैसे मुमकिन था पता नहीं, ऊपर वाले की ही कर्म था। अरे ये है जादुई पत्थर जो कि बोलते थे वो योगी जयपाल जब फेंका था। और यहाँ पे शॉपिंग देख सकते हैं दोस्तों, अजमेर जंक्शन अभी रिटर्न जा रहे हैं। आज 24 तारीख है, दिवाली भी है, चारों तरफ पटाखा फूट रहा है। अपने दोस्त यारों सामान इतना ज़्यादा ले लिए कि 21 हज़ार का शॉपिंग कर लिए एक आदमी, ये टोपी वाले दिख रहे हैं ना, उनका तो 20 हज़ार का शॉपिंग हो गया। ये अपना टिकट अहमदाबाद तक का है जो कि 4 बजे आने वाली, 10:40 पे आने वाली है, प्लेटफार्म नंबर 4 पे, प्लेटफार्म नंबर 1 कुछ ढूंढना है, 4 नंबर किधर है उस साइड में भी जाएँ कि सर से। एक ट्रेन, अपनी ट्रेन आ रही है, बड़े फिर से देख ले। हम लोग अहमदाबाद पहुंच गए, यहीं पे उतरते हैं ना। कुछ सामान भी चोरी हो गया था, सामान चोरी नहीं, वो आशा जो लाठी आती है बुजुर्ग लोग लेके चलते हैं, वही ख़रीदा था, मस्त थी, चोरी हो गई। अभी BRTS बस अपना
अहमदाबाद की, जो हम इसमें से ही बैठ के जाने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अपना अपना ख्याल रखिएगा, तब के लिए।